अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर में 2016 में अरबों रुपए की लागत से एक फोर्स तश्कील दी गई जिसका नाम डॉल्फिन फोर्स रखा गया। इस मॉडल को तुर्की से आखज किया गया था और उसी बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ इनको हैवी बाइक्स दी गई बल्कि इंतहाई महंगा यूनिफॉर्म भी फ्राहम किया गया। डॉल्फिन फोर्स का मैंडेट ये है कि उन्होंने सड़कों के ऊपर गश्त करना है और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ना और स्ट्रीट जो सड़कों के ऊपर वारदातें होती हैं उनको कंट्रोल करना है। ये फोर्स किस हद तक अपने काम में कामयाब हुई है, शहरी जिनको ये सड़कों पर रोकते हैं वो किस हद तक इनसे खुश हैं या नाला है, और इनकी अफसरान इस बारे में क्या कहते हैं ये जानते हैं। यहाँ पे वॉल्टन रोड के ऊपर इनका हेडक्वार्टर्स भी है और यहाँ पे इन्होंने नाका भी लगाया हुआ है। इनसे जानते हैं कि ये किस किस्म के लोगों को रोकते हैं, क्या इनकी इस तरह की कोई ट्रेनिंग है, इनको दूर से पता चल जाए कि ये शख्स जो है मशकूक हो सकता है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते इसके पास, या अगर इनको ये रोक लेते हैं तो किन चीज़ों को चेक करते हैं, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं कि इनके पास जो मोटरसाइकिलें हैं वो हैवी बाइक्स हैं, 500 सीसी इंजन के साथ ये मोटर बाइक है, और ये जो एहलकार हैं इनके पास असलहा में भी एक SMG राइफल है और फिर 4-7 पिस्टल होता है। इन्होंने यहाँ पे नाका लगाया हुआ है और ये किस तरह से शहरियों को चेक कर रहे हैं, किस बुनियाद पर ये शहरियों को रोकते, पहले इनसे जानते हैं फिर शहरियों से जानते हैं कि वो इनसे मुतमिन है कि नहीं। भाई ये बताइएगा कि आप लोगों का असल काम क्या है? बेसिकली डॉल्फिन का जो काम है वो स्ट्रीट क्राइम के लिए, लोगों के वहाँ के जानो माल के जो है ना तहफ़ वन फाइव की कार का जो है ना रिस्पांस देना होता है हमें, और अभी हमने ये नाका लगाया होगा रोड पे, कोई भी मशकूक बंदा जो आएगा उसको चेक करेंगे और उसके बाद जाने देंगे, और अल्लाह ना करें कोई क्रिमिनल होगा तो वो मोबाइल के पास हमारे पास ऐप है वो चेक करेंगे उसको कार्रवाई के लिए थाने लेंगे। तो कितनी देर आप नाका लगाते हैं, कितनी देर पेट्रोलिंग करते हैं और कितना इलाका होता है एक टीम के पास? हमारे जो नाके का टाइम है पिकटिंग का, ये टाइम हमारा होता है मैक्सिमम 20 से 25 मिनट, और पेट्रोलिंग एक घंटे में 40 मिनट हमारी पेट्रोलिंग होती है, और उसके अलावा पेट्रोलिंग के हमारे इलाका जो है ना मुख्तलिफ एरिया जो है ना एरिया के हिसाब से होता है थाने का, अगर थाने का एरिया ज़्यादा है तो हमारा बीट एरिया ज़्यादा होगा डॉल्फिन का और टीमें भी ज़्यादा होंगी, अगर थाने का एरिया बहुत कम है तो डॉल्फिन की टीमें भी बहुत कम होंगी। आपका एरिया कौन सा है? हमारा एरिया ये कैंची अमरसिंह। और इसमें कितने थाने आते हैं? इसमें थाना फैक्ट्री एरिया है, एक ही थाना। और आपकी टीम में कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं। और आप सारे जो हैं वो असले से इक्विप्ड होते हैं? जी सर, चारों बंदों के पास असला होता है। जी सर। और अभी आपने यहाँ पे नाका लगाया हुआ है तो आपको कैसे पता चलता है कि एक मशकूक शख्स है उसको रोकते हैं? क्योंकि पुलिस के बारे में आम तासर ये है कि पुलिस रोक के रिश्वत लेती है, तंग करती है शहरियों को, तो आप कैसे रोकते हैं और आपके लोगों का आपका इंटरेक्शन कैसा होता है? देखिए सर, बात यह है कि कोई भी अगर क्रिमिनल बंदा होगा ना तो वो देख के पुलिस को देख के आंखें चुराएगा, और दूर से हमारा जो वो जवान खड़ा है वो दूर से देख के बाइक को रोकेगा और हम उसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद जाने देंगे। चेक क्या करते हैं आप जब किसी एक शख्स को रोकते हैं? एक शख्स को उसकी सर्च करते हैं, तलाशी लेते हैं, आईडी कार्ड वगैरह, और इसके अलावा आईडी कार्ड नंबर जो होता है हमारे पास ऐप है वो पहले भी मैंने आपको बताया कि उस पर चेक करते हैं आईडी कार्ड पर, कि अगर अल्लाह ना करे कि उसके पास कोई FIR उसके ऊपर होती है तो उसको बराए कार्रवाई PS लेके जाते हैं, ऐप के ज़रिए चेक होता है। बहुत मेहरबानी। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस जो है वो डॉल्फिन फोर्स जो है वो शहरियों को रोक रही है जो मोटरसाइकिल सवार हैं, और उनको यहाँ पे चेक किया जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास एक एप्लीकेशन है, ये जिस शहरी को रोकते हैं उसका डाटा जो है उसके अंदर चेक किया जाता है, और ये 20 से 25 मिनट नाका लगाते हैं अपने बीट के अंदर, और उसके बाद दोबारा से ये पेट्रोलिंग पे आ जाते हैं, और तकरीबन 40 मिनट के करीब ये नाका जो है वो 40 मिनट के करीब जो है एक घंटे के अंदर ये पेट्रोलिंग करते हैं। डॉल्फिन ने यहाँ पे ट्रिपलिंग के ऊपर लड़कों को रोका है, सारों के आईडी कार्ड चेक किए, इनसे कुछ जानते हैं आपको डॉल्फिन ने क्यों रोका है? भजन, एक तो हम वो आ रहे थे ट्रिपल सवारी पे, ये जुर्म है, लेकिन वो मजबूरी इनको बताई है थोड़ी सी कि ये बच्चा है इसको बाइक और गाड़ी दोनों नहीं चलानी आती, वरना इसको जहाँ था वहीं ड्रॉप कर रहा था, तो इन्होंने रोका है तो इनको बता दिया। तो आपके सामने पुलिस के बारे में आम तासर आपका क्या है?
इनके बारे में तो आप ये समझे कि ये यहाँ पे नहीं खड़े हैं। नहीं नहीं, इनको ये छोड़ दें आप, ये खड़े हुए हैं, ये मसला नहीं है। पुलिस के बारे में आपका तासुर क्या है? पुलिस और डॉल्फिन ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इनके बारे में, बारे में आपका क्या था? पुलिस के बारे में है, थोड़ा फुहार तो करते हैं, लेकिन ये लोग ठीक है। डॉल्फिन के बारे में आपका तासुर क्या है? ये बेहतर है, बहुत बेहतर। किस तरह? वो इस तरह है कि आप अब आप यहाँ खड़े हैं ना, इसके अलावा भी हमें कहीं दो तीन जगहों पर रोका गया ना, तो कभी उन्होंने ज्यादती नहीं की। अगर मेरिट के मुताबिक बात हुई है तो छोड़ भी देते हैं, अगर नहीं होती तो पूरी कार्रवाई करते हैं। आम पुलिस जिनके बारे में आपका है कि वो ठीक नहीं है, उनके और इनके रवैये में फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, रवैये में फ़र्क भाईजान तभी आता है जब इंसान की ना एज डिफरेंस होता है। अब जो वो पुलिस वाले हैं, एक तो उनका मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड ही सारा गाँव टाइप है, वो लोग उस हिसाब से आते हैं और उस हिसाब से हम लोग डील करते हैं। ये लोग जो है ये यहाँ के ये न्यू जनरेशन है, ये उस हिसाब से हम लोग डील करते हैं, अच्छा लगता है। यानी कि इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये लोग जिस तरीके से हमें डील करते हैं, खुशी होती है कि ये हमारे मुल्क की पुलिस है। बहुत मेहरबानी। यहाँ पे अहलकारों ने एक और मोटरसाइकिल सवार को रोका, दो के दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। भाई आपका पुलिस के बारे में क्या राय है आपकी? पुलिस में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। सड़कों के ऊपर आपका पुलिस के साथ इंटरेक्शन हुआ है, कैसा रहता है वो? बहुत कम हुआ है, ये बस ये आपके सामने ही है जो चेकिंग हुई है, बस खत्म। डॉल्फिन के बारे में आपका क्या राय है? ये आम पुलिस से बेहतर है, इनका रवैया बेहतर है या खराब है? सही है, अच्छी है, बेहतर है दूसरों से। हाँ जी, महाफज से बहुत बेहतर है, जो पहले महाफज थी ना उससे बहुत बेहतर है। आपको यहाँ पे पुलिस ने रोका है? जी मुझे रोका। किस वजह से? अब तो मैं आ रहा था, हेलमेट नहीं पहना। नहीं, हेलमेट तो है, मेरी छीके बहुत आ रही है, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं थोड़ा सा। अच्छा, आप अभी फरमा रहे थे कि इनका रवैया बेहतर है, कैसे बेहतर है? ये बेहतर है कि एक दो दफ़ा मेरा चांस बना है ना, कि अच्छे तरीके से इनकी गुफ्तगू मिलना, कोई बात भी है बड़े अदब से, पहले वो थल्ले आइए वो चीज़ नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें खुशी हुई कि हमारी वहाँ में से जो दूसरी पुलिस है जो ग्रीन कपड़ों वाली है, आपका ख्याल है कि वो उनका रवैया भी बेहतर नहीं है और वो जब शहरी को रोकते हैं वो थल्ले आ, बस। तो इनके बारे में भी था कि इन्होंने भी रिश्वत नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बेहतर है, क्योंकि इनके बारे में कई शिकायत ऐसी थी कि ये जब नाकों पे रोकते हैं ऐसे नाके लगा के तो बेजा तंग करते हैं, रिश्वत लेते हैं कभी आप? नहीं, आज तक। आपको भी इसी मोटरसाइकिल के ऊपर ही रोका है डॉल्फिन ने? इन्हीं के साथ ही हूँ मैं, इन्हीं बिल्कुल ऐसे। मोटरसाइकिल कितनी चलाते हैं शहर? कौन मोटरसाइकिल पे काम वगैरह कितना ज्यादा करते हैं? तकरीबन कम ही होता है। डॉल्फिन कितनी दफा रोकती है सड़कों पर? नहीं रोकती, नहीं इतना ज्यादा नहीं। ये साथ खड़े इस वजह से कह रहे हैं? नहीं, प्रेजिडेंट अपने यूनियन का समझ ना, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम देखा है, हमारा बाप पढ़ता रहता है, जैसे दुकानें लॉकडाउन होते थे आते थे ये लोग बहुत, यानी कहा था आपके सर आपको पता ये टाइम हो गया आप प्लीज़ बंद कर दें, ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हम अपने इलाके के यूनियन के प्रेजिडेंट हैं ताकि हमें पता है इनके, तब हम फख्र से कह रहे हैं कि बहुत फ़र्क है। सही, बहुत मेहरबानी। यहाँ पे अमूमी तौर पे डॉल्फिन जो है वो थोड़ी देर के लिए नाका लगाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की राय जो है वो मुख्तलिफ है। जो थाना पुलिस है उसके बारे में लोगों को शिकायत, आम शिकायत ये है कि जब शहरी को वो रोकते हैं नाके के ऊपर तो बहुत ही उनका एटीट्यूड जो है वो अजीब सा होता है। शहरी को रोकते साथ ही तजलील उसकी की जाती है, जिसकी वजह से वो उनके बारे में जो उसकी राय काफ़ी मुख्तलिफ है। जबकि डॉल्फिन के बारे में उनका कहना है कि डॉल्फिन एहलकार जो हैं वो थाना पुलिस से काफ़ी बेहतर है, ये कलाम बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे डॉल्फिन एहलकार खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने दो, एक गन पकड़ी हुई है और एक पिस्टल जो उनके साथ लगा हुआ है। आपके पास दो असले क्यों हैं? सर दो वेपन हमें दिए गए हैं ताकि अगर एक वेपन अगर एक वक्त में काम ना करे तो दूसरा वेपन हम यूज़ कर सकें। मोटरसाइकिल के ऊपर कितने इनकाउंटर अगर खुदा ना खासा हो जाए तो किस तरह मैनेज करते हैं? चलती मोटरसाइकिल के ऊपर असले को कैसे मैनेज करते हैं? सर चलती मोटरसाइकिल पे कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा वकूआ पेश ना आए कि जिससे किसी भी इंसान की बेवजह जान जाए, तो कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी वकूआ पेश ना आए, चेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी लिमिट में रहकर। आपकी बीट के मलिकाई बीट के अंदर एक वाकया कुछ अर्सा पहले पेश आया था कि डॉल्फिन एहलकार ने भागते चोर के ऊपर फायरिंग की जिससे खातून जो थी वो जाम भाग हो गई थी। जी सर। इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, निशानेबाजी कितना आप फ्रीक्वेंटली करते हैं? सर बिल्कुल, इसके लिए प्रैक्टिस हमें करवाई जाती है, बाकायदा हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है इसके लिए। लेकिन बाय चांस वो वकूआ ऐसे हो गया, गलती से हो गया कि वो एक एहलकार से बुलेट शूट हो गया, तो उसके ऊपर आप लोगों को क्रिटिसाइज बड़ा किया गया। उसके बाद आप लोगों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया वो ये था
कि आप लोग दुराने ड्यूटी सस्ताने के लिए बैठ जाते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की मोबाइल फुटेजेस भी आई, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे अपने? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। ये इल्ज़ाम सिर्फ लगाए जाते हैं फोर्सेज पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। आपने एहलकार की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि बाय चांस वो एक ऐसा मिसहैप हो गया कोडलकपत के इलाके में, जहाँ पे ये चेस कर रहे थे मुलजमान को और फायरिंग हुई, और उसके अंदर एक खातून जो थी वो जांबाग हो गई थी। इनकी ट्रेनिंग, इनके जो मास्टर ट्रेनर थे वो टर्की से ट्रेनिंग करके आए थे, 2-3 माह की उन्होंने ट्रेनिंग की थी। वहाँ पर उनको इखलाक के बारे में, शहरियों के साथ वो जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ब्रिज करने के लिए काफ़ी चीज़ें जो थी सिखाई गई थी। डॉल्फिन हेडक्वार्टर चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि मास्टर ट्रेनर जो बीट जो फील्ड के अंदर एहलकार निकल रहे हैं उनको किस किस्म की तरबियत दे रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको, जिस तरह आपने शहरियों की आम राय सुनी कि शहरी जो है इनको दूसरी पुलिस के ऊपर फौकियत दे रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें इनको सिखाई जा रही हैं जिसकी वजह से शहरी जो है कम अज़ कम इनके ऊपर दूसरी फोर्स से ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं? मारी जी तुर्की में तकरीबन 2 माह की ट्रेनिंग थी, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान हमें जिन चीज़ों के बारे में सिखाया गया उनमें जो तुर्रा इम्तियाज़ अगर हम ये कहें तो वो था टू क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज अबाउट द पीपल अमंगस्ट द पीपल अबाउट द पुलिस, ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ था। उसके अलावा 15 की कॉल पे रैपिडली रिस्पॉन्स करना, जो रिस्पॉन्स का टाइम था वो कम करना, जो रवायती पुलिस का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली डिले था। अभी भी शिकायतें बहुत आती हैं कि डॉल्फिन एहलकार जो है वो कई बार जगह के ऊपर बहुत रैश हो जाते हैं शहरियों के साथ, ये तो शिकायत तो भी आती हैं, तो आप इन चीज़ों को कैसे फिर एंटरटेन करते हैं? काउंटर करने के लिए हमारे पास कंप्लेंट सेल मौजूद है, हम उसको काउंटर करते हैं। हमारे पास जो शिकायत आवाम लेकर आते हैं उनके तदारुक के लिए हम उन्हें बुलाते हैं, अपनी टीम्स को बुलाते हैं, आपस में हम मीटिंग्स भी इस बारे में करते हैं। SP साहब डॉल्फिन जो हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कीन है, वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और साथ में फिर डायरेक्शंस देते हैं टीम्स के लिए। हमने यहाँ पर हमारा क्लास रूम है, वहाँ पर हम टीम लीडर्स को जो है वो लेक्चर्स देते हैं कि किस तरह से आवाम के साथ आपने रवैया बेहतर करना है। इसमें अगर हम देखें मंथली जो उनके केसेस जनरेट होते हैं जो वेरीफाइड कॉल्स पे, वो तकरीबन उनकी मंथली जो तादाद है 40,000 केस पर मंथ है। तो इसको पर ईयर अगर आप देखें तो ये तकरीबन को 5 लाख कॉल्स को जो है एनुअली डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो उनको केटर करती है, और इनमें इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो 5 से लेकर 7 मिनट तक होता है। इस फोर्स को बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और रिसोर्सेज कितने लगाए गए? इसमें ये तुर्की में 1993 में ये इसका क्याम अमल में लेके आया गया, वहाँ उनके 40 से ज़्यादा सिटीज़ में इनका सेटअप वर्क कर रहा था। मेन आइडिया यही था कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को उनकी जो मैनूवरेबिलिटी है उसको उन पर चेक रखने के लिए और स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करने के लिए ये शुरू किया गया। तो जो पंजाब पुलिस की ददन क़यादत थी जो वर्दी IGP साहब थे, उन्होंने ये मॉडल स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसको यहाँ जो हमारा पंजाब का सबसे जो अहम शहर है लाहौर, इसमें इम्प्लीमेंट किया। डॉल्फिन फोर्स की खासियत ये है कि इसके जो इंस्ट्रक्टर्स थे, मास्टर ट्रेनर्स जो थे, वो उनको पंजाब हुकूमत ने तुर्की भेजा था, जिन्होंने तुर्की में जाके ट्रेनिंग ली और फिर उन्होंने पाकिस्तान वापस आके जितनी नई रिक्रूटमेंट हुई थी उनको तुर्की मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग दी थी। हमारे साथ इस टाइम मास्टर ट्रेनर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान से टर्की गए, वहाँ पर जाके उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वही जो कुछ उन्होंने सीखा उसको यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट किया और अपने नई रिक्रूट हुई थी 600 एहलकार उनको सिखाया। ट्रेनर से जानते हैं कि उन्होंने वहाँ पे क्या सीखा था और कैसे उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया। खुर्रम साहब, कितना अरसा आपने तुर्की में ट्रेनिंग ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जी तुर्की में तकरीबन 2 माह की ट्रेनिंग थी, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान हमें जिन चीज़ों के बारे में सिखाया गया उनमें जो तुर्रा इम्तियाज़ अगर हम ये कहें तो वो था टू क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज अबाउट द पीपल अमंगस्ट द पीपल अबाउट द पुलिस, ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ था। उसके अलावा 15 की कॉल पे रैपिडली रिस्पॉन्स करना, जो रिस्पॉन्स का टाइम था वो कम करना, जो रवायती पुलिस का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली डिले था।
रिस्पॉन्स टाइम उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक ट्रेंड चेंजर बनाया और उसके साथ साथ आवाम में एहसास तहफ़ पैदा किया एक मुअसर पेट्रोलिंग प्लान के ज़रिए अंडर दी गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाई दी SP साहब डॉल्फिन स्क्वाड। आपने वहाँ पे 2016 में ऐसा क्या सीखा जो यहाँ पे पाकिस्तान में पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान नहीं सिखाया जाता? सर जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि बाद लैकुनास थे ट्रेनिंग के, मिसाल के तौर पे जिनमें मेन था कम्युनिटी पॉलिसिंग और आवाम के साथ जो पुलिस का गैप था, अनफॉर्चुनेटली वो डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा था। हमारा जो एक जिसे समझ लें कि पूरी ट्रेनिंग का जो मेन फोकस रहा वो रवैया की तब्दीली थी और अल्हम्दुलिल्लाह नातादाद सक्सेसफुल स्टोरीज डॉल्फिन स्क्वाड के एंड पर हैं और लोगों ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। आज दो के हम परफेक्शन का क्लेम नहीं करते, अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उस लाइन पे चल रहे हैं जिस पर चलते हुए इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाबी से दबा देगा। आसिम साहब आप भी मास्टर ट्रेनर्स में गए थे जी, आप लोग कितने लोग टर्की गए थे? हम टोटल जो थे वो 25 परसेंट थे, उनमें SP साहब थे हमारे लीडर थे, DSP साहबान थे, इंस्पेक्टर साहबान थे, सब इंस्पेक्टर, ASI, तमाम जो टीम थी वो 25 परसेंट पर मुश्तमिल थी। हम 2016 में 15 में गए थे, मई जून में वहाँ ट्रेनिंग की है। हमारा बेसिक जो मकसद ये था कि हमने ट्रेनर बनना है और आकर अपनी फोर्स को ट्रेन करना है, तो उन्होंने भी इस चीज़ पर फोकस रखा और हमें ट्रेनिंग के बारे में सिखलाया कि किस तरह से आपने जाकर जो है वो ट्रेनिंग देनी है, क्या क्या उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपने किस तरह से कम्युनिटी गैप अपना ख़त्म करना है अपने पुलिस ऑफिशल्स के साथ, और फिर उनको क्या ट्रेन करना है कि वो आवाम के साथ जो है वो अपने बिहेवियर को बेहतर करें, आवाम के अंदर जो हमारे है कि पुलिस का रवैया आवाम के साथ इस तरह की। तो अभी भी शिकायतें बहुत आती हैं कि डॉल्फिन अहलकार जो है वो कई बार जगह के ऊपर बहुत रैश हो जाते हैं शहरियों के साथ, ये तो शिकायत तो भी आती हैं, तो आप इन चीज़ों को कैसे फिर एंटरटेन करते हैं? काउंटर करने के लिए हमारे पास कंप्लेंट सेल मौजूद है, हम उसको काउंटर करते हैं, हमारे पास जो शिकायत आवाम लेकर आते हैं उनके तदारुक के लिए हम उन्हें बुलाते हैं, अपनी टीम्स को बुलाते हैं, आपस में हम मीटिंग्स भी इस बारे में करते हैं। SP साहब डॉल्फिन जो हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कीन है, वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और साथ में फिर डायरेक्शंस देते हैं टीम्स के लिए। हमने यहाँ पर हमारा क्लास रूम है, वहाँ पर हम टीम लीडर्स को जो है वो लेक्चर्स देते हैं कि किस तरह से आवाम के साथ आपने रवैया बेहतर करना है। शिकायत पुलिस सफसरान जो है वो हमेशा यही चीज़ क्लेम करते हैं कि तमाम चीज़ें जो अच्छी जा रही हैं, बतौर मास्टर ट्रेनर आप क्या समझते हैं कि हमारी और बाहर की फोर्सेस के अंदर क्या फ़र्क है, क्या बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हमारी फोर्सेस जो है वो आवाम के अंदर उनका तासुर अच्छा नहीं है? बेसिकली पुलिस अफसरान जो कहते हैं बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हमारी पुलिस में काफ़ी चेंजेस आई हैं, जो बाहर की फोर्स में और हमारी फोर्स में जो डिफरेंस देखा जाता है उसमें सबसे बड़ा जो क्लैश है वो आवाम के साथ है हमारा। हमारी आवाम भी इस चीज़ को नहीं समझती कि हम उनके अंदर सही हैं, हम उनके मसाइल को समझते हैं, हम उनके मसाइल का तदारुक करने के लिए फोर्स में आए हैं और हम उनके लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो समझती है, जिस तरह से एक माइंड सेट हो गया आवाम का कि जी हमने काम करवाना है तो पुलिस को पैसे देने हैं, काम नहीं होगा तो पुलिस वाले ने दूसरे से रिश्वत ले लिया। इस माइंड सेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी आवाम समझती है कि डॉल्फिन इसको कम करने में कामयाब हुई है जी, डॉल्फिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इस पे काम कर रही है, बहुत ज़्यादा कम रेशो में हमारा जो है वो ये शिकायत आती हैं कि आवाम से हम पैसे लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि डॉल्फिन ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह हम इस पर जो है वो काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। इसमें अगर हम देखें मंथली जो उनके केसेस जनरेट होते हैं जो वेरीफाइड कॉल्स पे, वो तकरीबन उनकी मंथली जो तादाद है 40,000 केस पर मंथ है, तो इसको पर ईयर अगर आप देखें तो ये तकरीबन को 5,00,000 कॉल्स को जो है एनुअली डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो उनको केटर करती है और इनमें इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है
वो 5 से लेकर 7 मिनट तक होता है। इस फोर्स को बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और रिसोर्सेज कितने लगाए गए? इसमें ये तुर्की में 1993 में ये इसका क्याम अमल में लेके आया गया। वहाँ उनके 40 से ज़्यादा सिटीज़ में इनका सेटअप वर्क कर रहा था। मेन आइडिया यही था कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को उनकी जो मैनूवरेबिलिटी है उसको उन पर चेक रखने के लिए और स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करने के लिए ये शुरू किया गया। तो जो पंजाब पुलिस की ददन क्यादत थी, जो वर्दी IGP साहब थे, उन्होंने ये मॉडल स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसको यहाँ जो हमारा पंजाब का सबसे जो अहम शहर है लाहौर, इसमें इम्प्लीमेंट किया। पंजाब हुकूमत ने खतीर रकम के साथ एक नया प्रोजेक्ट लाहौर में मुतारिफ कराया जिसका नाम डॉल्फिन फोर्स था। ये डॉल्फिन फोर्स जो थी ये तुर्की से इंस्पायर होके पंजाब में शुरू की गई। उस टाइम की हुकूमत जो थी उनका तुर्की हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा रابطہ रहता था, अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने जब वहाँ पर जाना तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक फोर्स है जो सड़कों के ऊपर हैवी बाइक्स पर गश्त करती है, तो उन्होंने उसी मॉडल को पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर इसको शुरू किया गया। उस टाइम के DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और उसके बाद बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद फोर्स आज कहाँ पे खड़ी है, क्या जिस मैंडेट के साथ इसको लॉन्च किया गया था क्या ये उस मैंडेट को पूरा कर रही है, जो इसके लॉजिस्टिक सपोर्ट थी जिसके अंदर हैवी बाइक्स थी, बड़ा डेकोरेटेड सा यूनिफॉर्म था, फिर इनको हेडक्वार्टर्स के लिए जगहें दी गई, साथ ही साथ इनकी तनख्वाहें जो थी वो भी दीगर फोर्स के निस्बतन ज़्यादा रखी गई थी, क्या उन तमाम पर्स के बाद ये डिलीवर कर रही या नहीं कर रही, इस चीज़ को जानने के लिए हम SP डॉल्फिन जो लाहौर में एक ही होते हैं, लाहौर में वैसे 6 डिवीजन्स हैं और 6 डिवीजन्स के 12 SPs होते हैं, लेकिन ये डॉल्फिन फोर्स के एक ही लाहौर में SP होते हैं जो पूरे लाहौर को कवर करते हैं और पूरी डॉल्फिन फोर्स और इनके जितना भी ऑपरेशन रूम्स हैं वो सारे इनके अंडर आते हैं। राशिद हदायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इस फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या था, बनाने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उमर साहब, आप तशरीफ़ लाए और इसका डॉल्फिन का जो इसके इसके जो बिल्डअप में जो इसके राज़ो मकासद हैं, उसकी जो ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस है उसके वाले से आप ने क्वेश्चन किया। तो इसका जो जब ये बेसिस जो इसको बनने के लिए जो इसके मेन इसके जो थीम था या जो मैंडेट था, उसमें जिस तरह आपने कहा कि ये एक स्पेशलाइज्ड पेट्रोलिंग यूनिट होगा है और जिसका मेन मकसद जो है वो अहम शाहराहों पर और पूरे लाहौर के तूलो अर्ज़ में मौसर तरीके से पेट्रोलिंग को इंश्योर करना है। तो इस नुक्ते के साथ साथ इसी के बिल्कुल रिलेटेड जो इससे भी ज़्यादा बुनियादी अहमियत का हामिल है वो पॉइंट जो इनका मैंडेट में बराह रास्त आता है वो ये है कि लाहौर के अंदर जो पंजाब सेफ सिटी का सारा निज़ाम चल रहा है, जो उनका ऑपरेशनल PPIC-3 है, पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर, जो उसकी सारी की सारी वर्किंग है वो भी लाहौर के स्पेशलाइज्ड यूनिट पर बेस कर रही है। इसमें अगर हम देखें मंथली जो उनके केसेस जनरेट होते हैं जो वेरीफाइड कॉल्स पे, वो तकरीबन उनकी मंथली जो तादाद है 40,000 केस पर मंथ है। तो इसको पर ईयर अगर आप देखें तो ये तकरीबन को 5 लाख कॉल्स को जो है और एनुअली डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो उनको केटर करती है और इनमें इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो 5 से लेकर 7 मिनट तक होता है। इस फोर्स को बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और रिसोर्सेज कितने लगाए गए? इसमें ये तुर्की में 1993 में ये इसका क्याम अमल में लेके आया गया। वहाँ उनके 40 से ज़्यादा सिटीज़ में इनका सेटअप वर्क कर रहा था। मेन आइडिया यही था कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को उनकी जो मैनूवरेबिलिटी है उसको उन पर चेक रखने के लिए और स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करने के लिए ये शुरू किया गया। तो जो पंजाब पुलिस की ददन क्यादत थी, जो वर्दी IGP साहब थे, उन्होंने ये मॉडल स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसको यहाँ जो हमारा पंजाब का सबसे जो अहम शहर है लाहौर, इसमें इम्प्लीमेंट किया। तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर है ये मौसर तरीके से ना सिर्फ पेट्रोलिंग कर रहा है बल्कि अपने क्याम के सारे मकासद को बतरीके आसन विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज ये हमागिरी से। राशिद साहब, बाकी अगर फोर्स को देखा जाए तो आप लोग ये ऑलिव ग्रीन कलर का भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जब ये फोर्स इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस टाइम ब्लैक शर्ट और खाकी पैंट होती थी,
आप लोगों को एक तो यूनिफॉर्म भी इम्पोर्टेड दिया गया जिसकी तकरीबन कॉस्ट जो थी वो 40,000 रुपये पर यूनिफॉर्म थी। इसी तरह आप लोगों को बाइक्स जो थी वो भी हैवी बाइक्स दी गई। इसी तरह आप लोगों के लिए लहदा हेडक्वार्टर्स जो थे वो बनाए गए, आप लोगों को ज़मीन अलॉट की गई। जो रिसोर्सेज लगाए गए उनका क्या मकसद था, यानी आप लोगों ने एक आइडिया जो था वो तो कंसीव कर लिया टर्की से, तो ये इतने रिसोर्सेज की वजह क्या बनी और आप क्या समझते हैं कि किस तरह से उस चीज़ को यूटिलाइज किया फिर आप लोग? देखिए, जो ट्रेडिशनली आपका जो क्रिमिनल उसकी जो मूवमेंट है स्ट्रीट क्रिमिनल की, वो 90% से ज़्यादा केसेज में 125 के जरिए है। तो अगर आप अपनी एक लॉ एनफोर्समेंट बनाने जा रहे हैं और 125 cc मोटरसाइकिल, जी 125 cc मोटरसाइकिल है, और अगर आप एक नई लॉ एनफोर्समेंट और उसमें एक नया यूनिट खड़ा करने जा रहे हैं और अपनी आप लॉ एनफोर्समेंट को इक्विप करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एवेल्युएट करने से पहले आप उनको एसेंशियल जो गैजेट्री है उससे इक्विप करेंगे। तो उस आइडिया को रेप्लीकेट करने का मकसद ये था कि जो हमारे क्रिमिनल्स हैं उनको हार्ड परसूट करना है, उनकी चेजिंग करनी है, उनको पकड़ना है, उनको उनके ताकुब में, तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट के पास उनसे ज़्यादा मौसर गैजेट्री होनी चाहिए। और जहाँ तक आपने इनकी इनकी जहाँ तक आपने इनकी वर्दी की बात की, वो इसमें ये दो कलर जो हैं ये तुर्की से ही इंस्पायर होकर लिए गए। एक ब्लैक है, ये ब्लैक जो है ये कलर आई वुड लाइक टू शेयर एट दिस प्लेटफॉर्म कि ये गवर्नमेंट की रिट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, और जो इसमें रेड कलर है वो आवाम से मोहब्बत, अखुवत और एक सॉफ्ट जो उनको मैसेज कन्वे करता है कम्युनिटी पॉलिसिंग के हवाले से। तो ये दोनों कलर्स को कंबाइन करके ये इनका यूनिफॉर्म बनाया गया। और ये जो आइडिया था वो यही था कि ये क्रिमिनल्स के लिए तो एक ऐसा यूनिट होगा जो उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगा, उनको पकड़ेगा, उनको उनको हार्ड परसूट करेगा, उनको पाबंदे सलासल करवाएगा, लेकिन आम आवाम के लिए ये एक मोहब्बत का, आगही का, रवादारी का और एक गुडविल का और एक कम्युनिटी पॉलिसिंग के जज्बे को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वो सारे जो है वो काम करेगा, जिससे अवामी फलाह के जो और उनकी जो मैंडेट है और उसमें पब्लिक गुडविल अचीव। जब फोर्स का क्याम हुआ तो कितनी मोटरसाइकिल और कितनी रिक्रूटमेंट की गई? इसमें जो पहला बैच था वो 689 कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल था। अभी टोटल जो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है वो डॉल्फिन की वो तकरीबन 2400 के करीब है, और ओरिजिनली हमारे पास 600 बाइक्स थी, तो अभी हमारे पास 545 जो है ऑपरेशनली अवेलेबल हैं। इस फोर्स को बने हुए तकरीबन 4 साल हो गए, ये 5-6 साल शुरू होने लगा है। मजीद भर्ती के लिए कोई रेक्विजिशन भेजी गई? मोटरसाइकिलें तो मेरा ख्याल है 3-4 लाख किलोमीटर चल गई होंगी, जो हुकूमती पॉलिसी है या पंजाब पुलिस की उसके अंदर 3 लाख किलोमीटर चलना या मोटरसाइकिल की जो ओवरऑल कंडीशन होती है उसको देखा जाता है। तो भर्ती के लिए रेक्विजिशन, कोई भर्ती हुई? अवाम जिस तरह हमारा लाहौर शहर के अंदर पॉपुलेशन तो नहीं रुक रही, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज दिए गए, मोटरसाइकिलें बेहतर हुई कि नहीं? जब ये फोर्स का क्याम अमल में लेके आया गया अप्रैल 2016 में, उस वक्त लाहौर में पॉपुलेशन का तनासुब जो था तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ के करीब थी, और एनुअली अगर आप 4% ग्रोथ रेट के साथ इसको आज के दिन पर कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख की आबादी का शहर बन चुका है। तो इसमें सोसाइटी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुकी है, ज़्यादा उसमें जो है उनके क्लस्टर्स हैं, पॉपुलेशन क्लस्टर्स हैं, उसको डेफिनेटली केटर करने के लिए फोर्स की भी स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें जो हमारा फेज़ 3 है जो इसका रिक्रूटमेंट का, वो पाइपलाइन में है, और वो हमने हाई अप से इन राइटिंग भी रिक्वेस्ट किया कि इसका एज़ सून एज़ पॉसिबल इसकी रिक्रूटमेंट की इजाज़त दी जाए। और उसमें जो आपने जो कंडीशन की बात की, व्हीकल्स की कंडीशन की बात की, तो इसमें डेफिनेटली अब हम आजकल काम कर रहे हैं जो मोटरवे पुलिस की व्हीकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी है उसके पैरेलल, जो वो उनका 5 ईयर्स या 3 लाख किलोमीटर्स के बाद उनकी व्हीकल रिप्लेस कर दी जाती है, तो हम व्हीकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम इसको एक उसमें प्लान में, हम इसको पाइपलाइन में है तो उसको हम फॉरवर्ड करेंगे। और मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल जो पूरा दिन चलती है, क्योंकि आपकी 3 शिफ्ट चल रही होती हैं और आप लोगों ने पूरा लाहौर कवर करना होता है, तो आप लोगों की मोटरसाइकिल, तो हम उसको मोटरवे से अगर 1 मिनट के लिए ना उसको कंपेरिजन करें, तो आप लोगों की मोटरसाइकिलें तो कई लाख किलोमीटर चल चुकी होंगी। जैसे आपने अपने इंटरव्यू के आगाज़ में भी बताया कि जो क्रिमिनल्स हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं, वो 125 सीसी मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो इसलिए हैवी बाइक दी गई थी कि ताकि उनको चेस किया जा सके और इफेक्टिवली पकड़ा जा सके। जब आपकी मोटरसाइकिलें इतने ज़्यादा माइलेज चल चुकी हैं तो उनकी कंडीशन भी ख़राब होगी होगी डेफिनेटली, तो टायर्स, इंजन, ओवरऑल मोटरसाइकिल की कंडीशन, तो फिर आप कैसे कूप अप कर रहे हैं? इसमें एनुअली जो हमारा बजट हमें मिलता है तो उसमें रिपेयर मेंटेनेंस की एक जो मद में भी हमें पैसे मिलते हैं, तो डेफिनेटली उन पैसों को बात तरीके आसन
इस्तेमाल करके हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी सारी की सारी व्हीकल्स और सारी की सारी मोटर बाइक्स जो हैं ये इनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मेंटेन हो और टिल द टाइम के हमारी व्हीकल रिप्लेस हो जाएं, ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी वर्किंग कंडीशन जो है वो सलीम। गुज़िश्ता साल और रवा साल के आगाज़ के अंदर कुछ ऐसे वाकयात आए जिसके अंदर डॉल्फिन चेस कर रही थी मुजरमों को और उनकी फायरिंग हुई और 3 शहरी जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी हार दी। इस किस्म के वाकयात के ऊपर आप क्या समझते हैं कि ये लैक ऑफ ट्रेनिंग है या इतनी ज़्यादा आप लोगों की पेट्रोलिंग है उसके अंदर इस तरह के वाकयात जो हैं वो अचंभा नहीं है? देखिए, हमारा अगर आप परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें तो हम ऑन एवरेज हर मंथ में जो है वो 40 गैंग्स, क्रिमिनल के एक्टिव गैंग्स जो हैं उनको बस्ट करके, उनको अरेस्ट करके लोकल पुलिस स्टेशन के हैंड ओवर करते हैं। मंथली बेसिस पर एवरेज, ऑन एवरेज बात करें तो 70-80 एक्टिव स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ के उनको मुकामी थाना जात के हवाले किया जाता है। और अगर हम अब ईयरली बेसिस पर देखें तो 200 से 300 लाइव एनकाउंटर्स क्रॉस फायरिंग हार्डन क्रिमिनल्स के साथ ये होती है। तो इतने ज़्यादा बड़े शहर में इतनी फोर्स, मैं ये समझता हूँ 5 साल इसके पूरे होने के हैं, तो एक दो वाकयात से हम ये नहीं कह सकते कि इनकी ट्रेनिंग में फ्लॉ आया या क्योंकि ह्यूमन एरर जो है वो किसी भी माशरे में, आप सिविलाइज्ड सोसाइटी में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखें तो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी जो है देर इज़ ऑलवेज देर। और लेकिन हमारी केस स्टडीज़ होती हैं और उन केस स्टडीज़ में हम जो ऑपरेशनल हमारी जो लूप होल्स हैं, जो लकूनाज हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनकी बुनियाद पर हम जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस करते हैं। उन रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर जो इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल नए शेप अप किए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उनमें वो सारे के सारे लूप होल्स को एड्रेस करने के लिए जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं उनको इन लेटर एंड स्पिरिट इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है। इस फोर्स को इस सूरत हाल में इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि ये लोकल पुलिस के साथ ना मिले और यानी उस तरह की इमेज इनकी ना, और इनकी इमेज जो है बेहतर है। लेकिन ओवर द पीरियड हमने देखा कि ये क्रिकेट खेलते हुए पाए गए या आराम कर किसी पार्क वगैरह में लेटे आराम कर रहे थे, इसी तरह बार बार शॉप्स के अंदर इनकी CCTV फुटेज आई के पुराने ड्यूटी कटिंग वगैरह करा रहे हैं, होटल्स के अंदर खाना वगैरह खा रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें ना हो फोर्स के अंदर, जो जिन चीज़ों को बुनियाद बनाकर इनको अलहदा किया गया, इनके इनको पर्क्स ज़्यादा किए गए, इनको यूनिफॉर्म अलहदा दिया गया, इनको हैवी बाइक्स दी गई, इस तरह के वाकयात ना हो, उन चीज़ों को कैसे आप देखिए? इसमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने के लिए हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट वर्किंग SOPs हैं और हमारी विजिलेंस टीमें जो हैं वो राउंड द क्लॉक इंश्योर करती हैं, फील्ड ड्यूटीज करते हुए जवानों पर कड़ी नज़र रखती हैं। यहाँ हमारा ऑप्स रूम जो स्टेट ऑफ द आर्ट बना हुआ है वहाँ से भी लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। सेफ सिटी में जो हमारे रैप्स बैठे हुए हैं, फोकल पर्सन बैठे हैं, उनके जरिए भी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग होती है। तो जो भी इस तरह का डेलिंक्वेंट ऑफिशियल होता है उसके खिलाफ बर वक्त मोस्टर और प्रॉम्प्ट का महकमाना कार्रवाई की जाती है। कुछ अर्से तक इनके ऊपर करप्शन का बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगा डॉल्फिन फोर्स के ऊपर, लेकिन फिर कुछ ऐसी मोबाइल फुटेजेज आई जिसके अंदर डॉल्फिन फोर्स जो थी वो किसी जगह पर किसी क्रिमिनल को उसने रोका, उसको चेकिंग के दौरान कोई चीज़ उससे निकलाई और पैसे लेते हुए ऐसी मोबाइल फुटेजेज आई, करप्शन के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी? देखिए, इसमें जो हमारे IGP साहब हैं इनकम्बेंट और जो सक्सेसिव पीछे भी रहे हैं, हमारे मौजूदा CCPO साहब हैं और ख़ासकर DIG साहब ऑपरेशन जो ऑपरेशनली कमांड कर रहे हैं सारी फोर्स को, उनकी पॉलिसी और ज़ाती अगर मैं अपनी पॉलिसी बताऊं तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई इस तरह का हाई हैंडेडनेस, अब्यूज़ ऑफ पावर, करप्ट और माल प्रैक्टिसेस में कोई भी हमारा एहलकार मुलव्वस पाया जाए, देन एंड देयर विद इन 24 to 48 hours इंक्वायरी कंडक्ट करके उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाती है। और हमने बहुत सारे इस तरह के जो डेलिंक्वेंट ऑफिशल्स थे उनको अपने महकमे से अलहदा भी किया और उनको डिसमिस भी किया, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और हम अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। डॉल्फिन फोर्स एक लाहौर की बड़ी अहम पोस्ट है SP डॉल्फिन, और इस पोस्ट के हवाले से अगर ये देखा जाए कि आप बिल्कुल एक अलहदा जो यूनिट है उसको चला रहे होते हैं, तो डिपार्टमेंटल डिफरेंसेस की वजह से चीज़ों में हर्डल्स वगैरह नोट की गई कि जैसे अगर एक मिसाल ली जाए कि बजट के अंदर नई मोटरसाइकिलें, नई रिक्रूटमेंट वगैरह इस चीज़ को खातर में नहीं लाया जाता, आप समझते हैं कि ये ऑफिशियल पंजाब पुलिस की पॉलिसी के तहत चीज़ें चलती हैं या जो डिपार्टमेंटल डिफरेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं आड़े आते हैं? मैं इस नोशन को डिस्पेल करना चाहूँगा। हम सारी की सारी मीटिंग्स में मौजूद होते हैं, हमारा जो पेट्रोलिंग प्लान बनता है वो CFCD के हीट मैप्स का जो क्राइम एनालिसिस होता है और जो डिवीजन के क्राइम का एनालिसिस होता है उसका एमलगमेशन होता है, और एक लाइजोन चार्ट होता है, प्लानिंग होती है पेट्रोलिंग की, और कॉन्स्टेंटली डे बेसिस पर, रूटीन बेसिस पर हम जो है
हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो डिवीजन्स के जो रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनके साथ लायजोन में होते हैं, जहाँ पे उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है और हमारी जो प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को डिप्लाई किया जाता है, मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेशन होती है और ये हम वी आर वर्किंग हैंड इन ग्लव विद ऑल अदर स्टेक होल्डर्स एंड अदर यूनिट्स ऑफ लॉ। प्लीज राशि साहब लास्टली बताइएगा कि जिस मैंडेट के ऊपर 2016 में डॉल्फिन फोर्स को बनाया गया था, आप समझते हैं कि पेट्रोलिंग के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए डॉल्फिन अपना किरदार अदा कर रही है, या आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भी ठीक होने वाली हैं और ओवर द पीरियड लास्ट ईयर्स में वो आप लोग उस ट्रैक से हट गए हैं जिनको दोबारा से ट्रैक पर लाने की जरूरत है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्रूवमेंट है देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और रिसोर्सेज की भी अगर बात करें तो रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स एंड लिमिटेड, तो विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज मैं ये समझता हूँ कि डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर इज़ परफॉर्मिंग वेल। अभी हमें अल्लाह ताला ने ये टास्क दिया है, सीनियर अफरान ने ये मैंडेट दिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पेंस किया है, तो हम दिन रात सरगर्मियाँ वाले हैं कि इसके हर शोबे में जितनी असलाहत नाफज कर सकें, मेहनत करके दयानतदारी के साथ जितने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें, सीनियर अफसरान की गाइडलाइन उनकी हदायत की रोशनी में वो हम दिन रात कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ आप देखेंगे कि ये इसकी परफॉर्मेंस में, इसकी आउटपुट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसके साथ लास्टली मैं एक दो पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि नए दौर के तकाजों के मुताबिक आप नई गैडेट्री को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसमें मौजूदा CCPO साहब और DIG साहब ऑप्स का ये विजन है कि भाई इसमें जो हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है लाइक ई पुलिस पोस्ट है जो और के नाका जात में जिसका मुसर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है व्हीकल्स और क्रिमिनल्स दोनों के हवाले से, उनको उनकी रेस्ट और उनकी सीज के हवाले से, उसको हम अभी हमारे ये एक टेस्टिंग फेज़ में है, हम एक टेस्टिंग मरहले में चल रहे हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि इसी ई पुलिस पोस्ट की जो एप्लीकेशन है इसको MDT सेट में या इसको एंड्रॉयड सेट के अंदर हम अपने जो सेक्टर इंचार्ज लेवल तक इसकी एक्सेस दें, और हमने अपने जो चेकिंग मैकेनिज्म है उसको भी क्वांटिफाई कर दिया कि हमारी एक टीम जो है वो एक घंटे में 7 अफराद और 7 मोटरबाइक्स को चेक किया करेगी और अभी कर भी रही है। उससे आप देखेंगे कि हमारी जो ओवरऑल आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक दिन के अंदर डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर जो है वो 25,000 से 30,000 शहरियों को चेक कर सकेगी, 25,000 से 30,000 बाइक्स को चेक कर सकेगी। और आप देखेंगे कि ये इन्होंने ये रैंडमली स्नैप चेकिंग नहीं करते बल्कि स्पेशलाइज्ड यूनिट होने के नाते से इनके पास जो क्राइम का सारा एनालिसिस और क्राइम के सारे हॉटस्पॉट्स और जो डेटरेंस पॉइंट्स हैं और जो क्रिमिनल के मूवमेंट के एरियाज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और सेफ सिटी के हीट मैप को मद्देनजर रखते हुए ये क्राइम पॉकेट्स और क्लस्टर्स को बेस करते हुए अपने स्नैप चेकिंग पॉइंट और हॉल्टिंग पॉइंट को अपना शेप अप करते हैं। उस तरीके से आप देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ और ह्यूमन रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट के साथ ये दोनों का कम्बिनेशन होगा, तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर की जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द एलिमिनेशन एंड कर्बिंग ऑफ क्राइम वो बहुत ज़्यादा मौसर और बेहतर हो जाएगी। आपकी सारी बातों से अगर इस चीज़ को आसस किया जाए कि गुज़िश्ता सालों की नस्बत लाहौर की जहाँ पर आबादी बढ़ी है वहाँ पर आप लोगों को उसके मुताबिक रिसोर्स नहीं दिए गए, अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ पेट्रोलिंग का निज़ाम मौसर नहीं होता क्राइम बढ़ता है, तो आप जवाब दें आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, आप लोगों को नई नफरी दी जाए, आप लोगों को नई मोटरसाइकिलें दी जाएँ ताकि लाहौर जिस तरह से एक्सपेंड हो रहा है 50 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर लाहौर मौजूद और बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया? इसमें मैं अभी करंटली अगर आपको शेयर करूँ तो अभी हमारे पास डॉल्फिन की 392 टीम्स जो हैं वो 24 आवर्स में ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं। अगर आप लाहौर के नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन देखें तो 84 बनते हैं, तो एक पुलिस स्टेशन के लिए हमारे पास डेडिकेटेड 24 आवर्स में 4 टीमें बनती हैं, और उनको भी अगर शिफ्ट वाइज डिवाइड करें तो वो एक शिफ्ट में तकरीबन एक टीम आती है। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है, और जो नई रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से भी पहले भी लिखा जा चुका है, मौजूदा जो क़यादत है वो इसको बहुत संजीदगी से ले रही है और वो वाकई डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर को एक परफॉर्मिंग यूनिट के तौर पर देखना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सीनियर क़यादत जो है हमारी रिक्वेस्ट पर ज़रूर वे फॉरवर्ड में हमारी हेल्प करेगी। बहुत शुक्रिया। आपने राशिद हदायत साहब की गुफ्तगू सुनी, राशिद साहब का कहना है कि डॉल्फिन फोर्स जो है वो ना सिर्फ कारकर्दगी दिखाने के लिए अपने तमाम वसाइल जो अबूए कार ला रही है, साथ ही साथ उनका कहना है कि लाहौर की जिस तरह से आबादी बढ़ी है उस तनासब से फोर्स के अंदर इंडक्शन नहीं हुई और रिसोर्स जो है वो नहीं दिए गए, लेकिन मौजूदा जो सेटअप है जिसके अंदर CCPO लाहौर, IG और DIG हैं
वो इस चीज़ को लेकर बहुत संजीदा हैं कि ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज में इज़ाफ़ा किया जाए, साथ ही साथ जो मोटर बाइक का मसला है कि मोटरसाइकिलों की तादाद कम है, लाहौर की तादाद और आबादी की तादाद जो बढ़ती जा रही है उस चीज़ को भी बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अहम नुक्ता भी उठाया कि लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की मुख्तलिफ वाक़ियात में फायरिंग से 3 अफराद जो थे शहरी जो थे वो जान बहक हो गए, तो उनका कहना था उस चीज़ को मुद्दा बनाकर फोर्स को डीमोरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। 5 साल के अंदर 3 वाक़ियात जो हैं वो बहुत नॉमिनल से हैं और तमाम वाक़ियात के अंदर ना सिर्फ डॉल्फिन फोर्स के अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की गई। चार साल पहले तश्कील दी जाने वाली डॉल्फिन फोर्स आज बुरे हालात से दो चार है, ना तो नई भर्ती की जा रही है ना ही उनको नई मोटरसाइकिलें फराहम की जा रही हैं, जिसकी वजह से लाहौर में उनका पेट्रोलिंग का निज़ाम पहले से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अगर हुकूमत वक्त ने इस फोर्स के ऊपर भी तवज्जो ना दी तो ये भी दीगर फोर्सों की तरह अवाम में अपना एतमाद खो देगी। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए, अलानी के बाद